के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है। अतीक की अकूत संपत्ति के पीछे इसके वो 40 गुर्गे हैं जिसके दम पर अतीक ने खौफ का साम्राज्य खड़ा किया। अतीक के ये 40 गुर्गे उसके एक इशारे पर उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार रहते थे। 40 गुर्गों वाला अतीक का ये गैंग अली बाबा 40 चोर की तर्ज पर काम करता था। अतीक ने इन्हीं 40 गुर्गों के दम पर जरायम का साम्राज्य खड़ा कर लिया। हालांकि अब योगी सरकार ने अतीक के इन 40 गुर्गों को एक एक कर मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। योगी सरकार से पहले यूपी के पूर्वांचल में अतीक की तूती बोलती थी। लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए अतीक ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपना गैंग चलाया, जिसकी वजह से पूर्वी पूर्वांचल में दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी डॉन अतीक को कभी किसी मामले में सजा नहीं मिली, नहीं वो किसी अपराध के लिए दोषी करार दिया गया, क्योंकि अतीक ने अपने गुनाहों के सबूत छिपाने या मिटाने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी कि अदालत में उसके खिलाफ एक सबूत और गवाह भी नहीं मिलता था। अतीक ने हर काम के लिए अलग अलग तरह के लोग रखे थे। अतीक ने अपने गैंग को कई टीमों में बांट दिया था और हर टीम के पास एक एक टास्क को पूरा करने का जिम्मा होता था। मसलन अतीक गैंग की टीम ए हत्या और अपहरण को अंजाम देती थी, टीम बी का काम धमकी देना और उगाही करना होता था, टीम डी का काम अतीक के खिलाफ सबूत मिटाना था, जबकि टीम वाइट का काम काले पैसों को सफेद करना था और टीम एल अतीक के लिए कानूनी मदद मुहैया कराती थी। अतीक का वकील खान हनीफ इसी तरह की टीम का हिस्सा था, यानी IS-227 सिर्फ गैंग भर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था जो संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देता था। अतीक गैंग में हर गुर्गे का काम तय था, अपहरण हत्या और रंगदारी का काम शूटर्स को दिए जाते थे, जबकि फंडिंग और फाइनेंस का काम आम कारोबारी जैसे दिखने वाले लोग किया करते थे। अतीक के गैंग में प्रोफेशनल किलर से लेकर प्रोफेशनल कारोबारी तक शामिल थे। अतीक गैंग पूर्वांचल का ऐसा गैंग बन चुका था जिसके जुर्म के सबूत अगर मिलते भी तो उन्हें मिटाने के लिए ताकतवर लोग पूरा दमखम झोंक देते थे। अतीक गैंग के 40 खास गुर्गों में कई सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं होते थे, बल्कि ये अतीक गैंग की टीम बी की तरह बाहर से सपोर्ट करते थे। इस तरह से अतीक के गुर्गे पुलिस की नजर से बचे हुए थे और पुलिस के रिकॉर्ड में इनका कोई जिक्र नहीं था, और यही अतीक की सबसे बड़ी ताकत भी थी जिसके बूते उसने जनता के दिलों में अपना खौफ पैदा किया। राजनीति में उतरकर सत्ता के रसूख के दम पर अपना वर्चस्व भी बनाए रखा। अतीक गैंग में हर तरह के अपराध को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी भर्ती किए गए थे। मसलन गुर्गा नंबर 31 है जाबिर, जो अतीक के लिए उगाही का काम करता था। गुर्गा नंबर 32 जैद अतीक के लिए रंगदारी वसूलता था। गुर्गा नंबर 33 उबैद रंगदारी मांगने का काम। गुर्गा नंबर 34 असाद कालिया पैसे जुटाने का काम। गुर्गा नंबर 35 मोहम्मद अब्बास गैंग का सदस्य। गुर्गा नंबर 36 अकबर अतीक का बड़ा काम देखता था। गुर्गा नंबर 37 सफदर अली हथियारों का मैनेजमेंट देखता था। गुर्गा नंबर 38 जुल्फिकार उर्फ तोता शूटर था। गुर्गा नंबर 39 आबिद अतीक के इशारे पर हत्याएं करता था। और गुर्गा नंबर 40 मोहम्मद नफीस अतीक के लिए फंड जुटाता था। यानी इस गैंग में हथियारों से लेकर रंगबाज बमबाज और डॉक्टर से लेकर वकील तक शामिल थे जो अतीक के एक इशारे पर अपना काम झट से कर गुजरते थे। अतीक अहमद के गैंग IS-227 में कुल 132 सदस्य मौजूदा समय में हैं, लेकिन जिन 40 गुर्गों की हम बात कर रहे हैं उनके नाम आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस गैंग में तमाम ऐसे भी चेहरे शामिल थे जो पार्ट टाइम क्रिमिनल थे, जबकि तमाम गुर्गों ने छोटी मोटी सियासत शुरू कर अपनी राहें अलग कर ली थी। लेकिन जो गुर्गे योगी सरकार के आने तक इस गैंग में सक्रिय रहे, पुलिस अब चुन चुन कर उनके गुनाहों का हिसाब कर रही है। अतीक के गैंग में फिलहाल सबसे वांटेड चेहरा असद और गुड्डू मुस्लिम ही है, जिसकी तलाश में पुलिस दिन रात जुटी है।
उमेश पाल केस में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अतीक के परिवार के किन किन सदस्यों पर दबिश लगातार जारी। तो पहला नाम कौन सा है ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। पहला नाम है शाइस्ता परवीन का। अतीक अहमद के जो करीबी हैं उसमें अखलाक भी है और बेटे भी। बिल्कुल, देखिए, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो असद है जो फरार बताया जा रहा है, अतीक का बेटा है। आयशा नूरी जो अतीक की बहन है उन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरे परिवार की क्राइम कुंडली है जिन पर फिलहाल दबिश दी जा रही है। अतीक भले ही जेल में हो, सलाखों के पीछे हो, लेकिन ये चेहरे अभी